नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रश्मि। लंबी बहस के बाद लोकसभा से महिला आरक्षण बिल दो तिहाई बहुमत के साथ पास हो गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पक्ष में 454 वोट पड़े, जबकि इसके विरोध में सिर्फ 2 वोट ही पड़े हैं। इस संविधान संशोधन विधेयक में कांग्रेस के साथ तमाम विपक्षी दलों ने भी सरकार का साथ दिया। सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने बिल का विरोध किया। हालांकि राहुल गांधी ने कहा कि ओबीसी के बिना यह बिल अधूरा है। देयर इज वन थिंग इन माय व्यू दैट मेक्स दिस बिल इनकम्प्लीट। आई वुड लाइक टू हैव सीन ओबीसी रिजर्वेशन इंक्लूडेड इन दिस बिल। I think it is very important that a large chunk of India's population, large chunk of India's women should have access to this reservation. And that is missing in this bill. महिला आरक्षण बिल लोकसभा से भारी बहुमत से पास हो गया, लेकिन चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने ऐसी मांग रख दी जिसने सत्ता की पेशानी पर बल ला दिया। एक ऐसी मांग जिसे सरकार मान तो नहीं सकी, ना भी नहीं कह सकी। ओबीसी के बिना महिला आरक्षण को बेमानी बताते हुए राहुल गांधी ने देश की हुकूमत को चलाने वाले बड़े नौकरशाहों के नंबर गिना दिए। इस सवाल के साथ कि इसमें पिछड़े कितने हैं, इस इल्जाम के साथ कि ये पिछड़ी जातियों का अपमान है कि ये जो 70 सेक्रेटरी हैं, 90 सेक्रेटरी हैं, ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं, मैंने यह सवाल पूछा। मैं आपको जवाब देना चाहता हूं, हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। और सुनिए, नहीं घबराइए मत, डरो मत, और सुनिए, ये जो सेक्रेटरीज हैं जो ओबीसी कम्युनिटी से हैं, ये हिंदुस्तान के सिर्फ 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। ये ओबीसी कम्युनिटी का अपमान है। सबसे पहले ये जो महिला का बिल है, इसको आप पास कीजिए, आज पास कीजिए, ये जो आपके लागू कीजिए, और ये जो डिलिमिटेशन है जो आपने बोला है, और ये जो सेंसस है इसकी कोई जरूरत नहीं है, 33% आप महिलाओं को सीधा दे दीजिए। जल्दी से जल्दी आप कास्ट सेंसस कीजिए, जल्दी से जल्दी जो हमने कास्ट सेंसस किया था उसका डेटा आप रिलीज कीजिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम कर डालेंगे। ये जो बिल लेकर हम आए हैं, कई सारी साथी महिला सांसदों ने कहा कि महिला को रिजर्वेशन देकर नीचा नहीं दिखाना चाहिए, महिला भी उतनी ही सशक्त है जितना पुरुष सशक्त है। मैं आपसे एक कदम आगे जाता हूं, महिला पुरुष से भी ज्यादा सशक्त है, महिला पुरुष से भी ज्यादा, मगर समाज व्यवस्था ऐसी बनी है जिसके अंदर इस आरक्षण से अब डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग के अंदर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर दी जाएगी। ये सम्मान करने के लिए आरक्षण। माननीय, इस देश में जो भी रहता है जिसकी जड़ें भारत से जुड़ी है, वो कोई भी महिला को कमजोर उबारने की गलती नहीं कर सकता। 90 सचिवों में सिर्फ 3 ही पिछड़ा वर्ग से क्यों? राहुल के सवाल को अमित शाह ने भले ना छुआ, लेकिन शाह के बाद जब केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की बारी आई तो उन्होंने अंबेडकर के जिक्र के जरिए उस पन्ने को पलट दिया। विपक्ष के हंगामे पर अमित शाह को भी हस्तक्षेप करना पड़ गया कि डॉक्टर बाबा साहब ने, डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी ने हमें वोटिंग राइट दिया जिससे हम सशक्त हुए। बात एकदम ठीक है, जब संविधान सभा में चर्चा चल रही थी तो कुछ ऐसे कह रहे थे कुछ पढ़े लिखों को वोट दो, कुछ कह रहे थे कि एक बड़े सौकार को वोट दे दो, कुछ गिन लो, ऐसी स्थिति आ रही थी। उस समय बाबा साहब खड़े हुए, B.R. अंबेडकर, उन्होंने कहा हम एशिया और अफ्रीका के देशों को नेतृत्व देने जा रहे हैं, इसलिए हम ऐसा निर्णय करें
अडल्ट फ्रेंचाइज का निर्णय अगर किसी ने किया तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया और उनके जिद के कारण हुआ, उनको भी आपने हराया। जब इतना बड़ा काम किया, संविधान का निर्माण कर दिया, संविधान की रचना करी, संविधान के शिल्पकार थे, उनको भी आपने हराना के काम किया, फिर यहां पॉलिटिकल स्कोर आप खड़ा करने की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं संविधान की प्रस्तावना में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय की बात कही गई है। हम आज महिलाओं को न्याय दे रहे हैं संविधान की प्रस्तावना में। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय की बात कही गई, हम आज महिलाओं को न्याय दे रहे हैं। और प्रतिष्ठा क्यों पिछले बात करते सदन के अंदर, सदन का गुमराह करना चाहते हैं आप? एक सेकंड, ये फैक्चुअली करेक्ट है। जैसे राहुल गांधी को बीजेपी ने हराया, ये फैक्चुअली करेक्ट है। बाबा साहब के सामने जीत कराने वाले प्रत्याशी कांग्रेस के ही थे। आंकड़े अगर आपको चाहिए तो मैं बता देता हूं, सुनने के लिए आप बैठे नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी के सांसद में 29% 85 सांसद ओबीसी कैटेगरी के हैं। कंपैरिजन करना है तो आ जाइए। और मान्यवर और मंत्री, मान्यवर मंत्री भी 29 ओबीसी कैटेगरी के। अपने संक्षिप्त संबोधन में राहुल गांधी की जुबान पर जाति जनगणना का जिक्र आया तो साथ ही अदाणी का भी। इल्जाम ये कि सेंसस और परिसीमन का इंतजार ध्यान भटकाने का बहाना है। Likes to distract from, of course, is Mr. Adani. And there is another thing that the government likes to distract everybody from. And that thing is called the caste census. For some reason, and I don't quite understand what this reason is, the moment the opposition raises the issue of caste census, the BJP tries to create a new distraction. जिस दिन मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, इस देश के 70 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके घर में बैंक अकाउंट नहीं था। मोदी जी ने जनधन योजना चालू करी, बैंक अकाउंट खोलने का अभियान चालू किया, 52 करोड़ बैंक अकाउंट खोले गए और 52 करोड़ बैंक अकाउंट में से 70% बैंक अकाउंट माताओं के नाम से खोले गए। माननीय अध्यक्ष जी, माताओं के नाम से आज महिला सशक्तिकरण हुआ। सारी योजनाओं का जो पैसा जा रहा है माननीय अध्यक्ष जी, किसने 10 मिनट दिए मुझे? आप वहां बैठकर टाइम दोगे? अरे सुनने की आदत डालो भाई, आप वहां बैठकर मुझे टाइम दोगे? माने सदा प्लीज, मैं मेरी पार्टी के टाइम में बोल रहा हूं। आप कौन फैसला करने वाले होते हैं माननीय गृह मंत्री जी? माननीय अध्यक्ष जी, आज कोई भी स्कीम का पैसा जाता है तो वो महिला के बैंक अकाउंट के अंदर जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस ने इस देश में 5 दशक से ज्यादा शासन किया। 11 करोड़ परिवार ऐसे थे जहां शौचालय नहीं था, गरीबी हटाओ के नारे दिए मगर गरीबों की कोई व्यवस्था नहीं कर पाई थी।